तो दोस्तों, अब हमारी इंडियन रेलवे ट्रेनों में काफ़ी सारी फैसिलिटीज, सेफ्टी, स्पीड, सिग्नलिंग, इन सभी को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पर बनाने में लगी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी को लेकर अब यहाँ पर एक काफी अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है। अब मुंबई में वेस्टर्न रेलवे जल्द ही लॉन्च करेगा फर्स्ट हाईटेक कंट्रोल रूम को। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस कंट्रोल रूम के लॉन्च होने के बाद मुंबई की ट्रेनों को और भी ज्यादा बेहतर और सेफली ऑपरेशन किया जा सकेगा। ये कंट्रोल रूम हेल्प करेगा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो तो इस कंट्रोल रूम से इमीडिएटली मदद मिलेगी। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस कंट्रोल रूम को यूनिफाइड कमांड में कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसी हाईटेक कंट्रोल रूम से ट्रेनों की निगरानी की जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, मुंबई सेंट्रल को यूनिफाइड कमांड सेंटर कहा जाता है। यूनिफाइड कमांड और कंट्रोल रूम ट्रेनों के सभी ऑपरेशन को एक छत के नीचे लाएगा, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट और क्रिमिनल मिसहैप्स को रोकने में काफी ज्यादा सहायता मिलेगी इस हाईटेक कंट्रोल रूम से। इस हाईटेक कंट्रोल रूम का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा होने के कगार पर है और इस मंथ के एंड तक हमारे जो रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, तो इनके हाथों इस हाईटेक कंट्रोल रूम को इनॉग्रेट किया जाएगा। वैसे इस कंट्रोल रूम को इसीलिए डेवलप किया गया है कि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति हो तो यहाँ से इमीडिएटली उस सिचुएशन से निपटा जा सके। न्यूली डेवलप सिस्टम न केवल सेफली और स्मूथली ट्रेनों को ऑपरेशन में हेल्प करेगा बल्कि आपातकालीन स्थिति में सिक्योरिटी एजेंसी को इन्फॉर्म भी करेगा। वैसे पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, फायर ब्रिगेड, कोस्ट गार्ड, इन सभी को तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा इस हाईटेक कंट्रोल रूम की मदद से। वैसे इस हाईटेक कंट्रोल रूम की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसका यूज केवल हमारी मुंबई की लोकल ट्रेनों को ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर जी का कहना है कि रेलवे का ये पहला कंट्रोल रूम होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि ट्रेन ऑपरेशन के सभी डिपार्टमेंट को एक छत के नीचे लाना, जिससे ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा फ्यूचर में बेहतर और सुरक्षित तरीके से ट्रेनों को ऑपरेशन करने में। यहाँ पर इस हाईटेक कंट्रोल रूम से टोटल 30 स्टेशन को ऑब्जर्वेशन करने का फैसला डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर दो अलग अलग स्क्रीन पर CCTV कैमरा से लाइव देखा जा सकेगा। साथ ही हमारे वेस्टर्न रेलवे में 2700 हाईटेक CCTV कैमरास लगाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो पसंद आती हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।